हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम लोग टेस्ट 30 का 1 to 50 क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे। मैं जो इसका पीडीएफ है, सॉल्व्ड पीडीएफ, वो जो मेरा कमेंट सेक्शन है और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं क्वेश्चन 51 से डिस्कशन स्टार्ट करूंगी। ये टेस्ट 30 है विजन आईएएस का और ये आपका कंप्लीट सिलेबस पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 51 रिलेट करता है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 के बारे में। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दोनों सही है। मतलब कि एवरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जो है उसका ऑब्लिगेशन होता है टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ऑन रिक्वेस्ट, ये पहला है। और दूसरा कि कोई कंज्यूमर अगर कंप्लेन करना चाहे कैन क्लेम कंपेंसेशन, मतलब कि कोई कंज्यूमर क्लेम कर सकता है कंपेंसेशन डिस्कॉम से अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में किसी तरह का इंटरप्शन हो। तो ये जो रूल है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 उसका पार्ट है और दोनों स्टेटमेंट सही है। 52 देखें तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट है। तो पहला दो स्टेटमेंट तो सही है लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा के वो थे आपके राम सुभाग सिंह, ना कि मोरारजी देसाई। और बाकी तो स्टेटमेंट सही है कि कोई भी जो लीडर होता है पॉलिटिकल पार्टी का अगर वो अपोजिशन का लीडर बनना चाहता है तो उसे या तो सेकंड हाईएस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए उसका, या फिर उसके पास एटलीस्ट 10% टोटल सीट होना चाहिए हाउस का। जो ऑफिस है लीडर ऑफ अपोजिशन का उसे स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया है दोनों हाउस में, मतलब कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 जो कि है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में। ये किस बारे में है, तो ये एक इसका जो एम है वो है लैंडर और रोवर दोनों को साउथ पोल भेजना, जो मून का साउथ पोल रीजन है वहाँ भेजना। दूसरा कि डाटा कलेक्ट करना ऑन क्वांटिटी एंड फॉर्म ऑफ वाटर रिसोर्स जो कि मून पे अवेलेबल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है 53। 54 का देखें तो इलेक्ट्रोजेट जीमन इमेजिंग एक्सप्लोरर के बारे में है कि ये क्या है कि इट इज़ अ सेट ऑफ स्मॉल स्पेसक्राफ्ट दैट विल स्टडी इलेक्ट्रिक करंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये जो जॉन हॉपकिंस है उसको सेलेक्ट किया नासा ने और ये उसके द्वारा किया जाएगा इलेक्ट्रोजेट जीमन इमेजिंग एक्सप्लोरर। इसमें बेसिकली क्या होगा कि हम लोग जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ये जो बेसिकली गवर्नमेंट की स्कीम है जो लैक्टेटिंग, मतलब कि जो मदर है जो जस्ट प्रेग्नेंट है या जो जिनके छोटे बच्चे हैं, तो इसमें क्या होता है कि पहला तो ये कैश इंसेंटिव है, दूसरा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है जिसमें कि जो मदर है उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा चला जाता है और साथ में जो बेनिफिशियरी है वो रिसीव करती है इंसेंटिव अंदर जननी सुरक्षा योजना, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का 56 की। इसमें पहला स्टेटमेंट सही है कि पीपीपी प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल सेक्टर का होगा विद अ कॉस्ट एक्सीडिंग 100 करोड़। इसमें पहला स्टेटमेंट सही है कि जो पीपीपी प्रोजेक्ट है जिसका कॉस्ट जो है 100 करोड़ से ज़्यादा है उनका वो अप्रूवल लेना पड़ेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी के द्वारा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये चेयर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नहीं बल्कि सेक्रेटरी जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का उसके द्वारा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है कि फुल फेट एंड क्रेडिट क्लॉज के बारे में कि इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश बेटर सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन लॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फुल फेट एंड क्रेडिट। इसका क्लॉज किस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किससे रिलेट करता है। पहला तो है कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्ट है यूनियन गवर्नमेंट का उसको देता है, दूसरा कि फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर सिविल कोर्ट का, और तीसरा रिकॉर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फुल फेट एंड क्रेडिट मतलब कि ये टोटली एक्सेप्टेबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, कहीं भी ये यूज़ किया जा सकता है और एक्सेप्टेबल होगा, फुल फेट मिलेगा उसको।
फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग बॉडीज़ हैं और कुछ हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, तो उसी से रिलेट करके है ये। तो है कि कौन कौन से ऐसे बॉडीज़ हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंसनड है। तो GST काउंसिल के बारे में मैंसन है, फिर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को भी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया, फिर स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी हैं, ये तीनों हैं, लेकिन लोकपाल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 की इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहना है कि वहाँ पे कौन कौन से एविडेंस मिले थे। तो एक तो राइनोसोरस का, दूसरा राइस कल्टिवेशन का, इन दोनों का एविडेंस मिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स के बारे में, तो ये क्या होता है। ये बेसिकली एक प्रपोजल है जिसमें विड्रॉल ऑफ मनी ऑनली, मतलब कि जो डिमांड ऑफ ग्रांट है उसके थ्रू ही जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे पैसा निकाला जा सकता है। ठीक है, और 3 भी सही है कि नो डिमांड, ये जो डिमांड फॉर ग्रांट है ये तभी हो सकता है जबकि प्रेसिडेंट अपना रिकमेंडेशन दे, नहीं तो वो ग्रांट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही पॉसिबल है। सेकंड आपका गलत है क्योंकि डिमांड ऑफ जो है ग्रांट का वो इंक्लूड करता है चार्ज एक्सपेंडिचर और उसको वोट भी किया जाता है। ये जो नॉट है वो गलत है, वो नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, तो इसमें बस 2 जो है वो सही है, बाकी गलत है। जो तिरूर वेटिला है ये केरला का, केरला स्टेट से बिलोंग करता है, लेकिन जो ये भवानी जमा कलम है ये एक तरह का कारपेट है तमिलनाडु स्टेट का, और ये जो इलकाल सारी है ये कर्नाटक का है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ 2 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में, तो इसका फर्स्ट सही है दूसरा गलत है। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च जो है ये एपेक्स बॉडी है जो कि फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है और प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्च। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये किसके द्वारा निकाला जाता है। ये निकाला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि कौन सी पेनिनसुला ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, मतलब कि पेनिनसुला से आती है। तो वो जो गंगा में जो कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो हिमालय से आती है और कुछ है जो आती है आपके पेनिनसुला से, तो उसका डिफ्रेंशिएट करके आपको बताना है। तो देखो इसमें सिर्फ सन है जो कि एक पेनिनसुला ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, महानदी जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, घाघरा जो है उसका ओरिजिन हिमालय में है। ठीक है, उसी तरह गंडक का भी हिमालय में है, तो इसलिए सिर्फ 1 होगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में, कि कौन से कंपोनेंट्स हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में, जो ऐसे रेवेन्यू जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को मिलते हैं। उसमें पहला आएगा आपका रॉयल्टी ऑन ऑफशोर क्रूड ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स रिलीज टू स्टेट्स, और तीसरा जो भी सरप्लस RBI के द्वारा गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं वो भी आपका आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट वो हुआ जिसमें कोई किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होता, जबकि कैपिटल रिसिप्ट में आप मतलब रेवेन्यू जो भी नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिंग होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 66 है कि पेयर ऑफ किंगडम दिया हुआ और रीजन, मतलब किस रीजन से कौन सा राजा या किंगडम बिलोंग करता है। तो देखो सिर्फ 2 और 3 सही है, बाकी जो है वो गलत है। चंडेला जो है वो आपका बुंदेलखंड होगा, सोलंकी का सही है गुजरात से, और यादवा का भी डेक्कन सही है, सेना का वापस गलत है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 67 है भारत स्त्री महामंडल के बारे में, तो मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो है 20th सेंचुरी का उनके बारे में। तो ये भारत स्त्री महामंडल जो बनाया था ये बनाया था सरला देवी चौधरानी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है कि नन मिथेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, तो तीनों सही है। जो ये नन मिथेल वॉल्केनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कंट्रीब्यूट करता है ओजोन फॉर्मेशन में, और दूसरा कि ये कार्सिनोजेनिक एजेंट भी है, यानी मतलब इससे कैंसर भी होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एग्जांपल है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी अकबरी के बारे में कि, तो दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो बुक ये लिखा गया था इन इंडो पर्सन स्टाइल लिखा गया था और अबुल फजल ने इसे लिखा था। ठीक है, दूसरा भी सही है कि डिटेल ये जो है इस बुक में आपको डिटेल अकाउंट मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी, रेवेन्यू, लेकिन रिलीजन और कल्चर के बारे में नहीं है। ठीक है,
फिर NPS के बारे में है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कि दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है क्योंकि हमारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक का MP है वो है अभी 76% ना कि 90%। फिर दूसरा भी गलत है क्योंकि ग्रॉस NPA जो है पब्लिक सेक्टर का ऐसा नहीं है कि वो स्टेडिली इंक्रीज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 की नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के बारे में, तो इसमें है कि जो मिशन है ये एम करता है क्रिएट करना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे सिटीज़ में कंट्री के, और ये इनिशिएटिव जो है स्टेटमेंट टू गलत है क्योंकि ये इनिशिएटिव सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन कॉम्बाइंड विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है इसलिए। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी के बारे में, इसमें दोनों सही है कि इससे क्या होता है जो फार्मर है उसका इंक्रीज करता है इनकम, पैसे मतलब कि इसमें एक ही ज़मीन पर आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं और दूसरा कैश क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं। PM कुसुम स्कीम जो है उसमें एक ऐसा प्रोविज़न है कि आप अग्री वोल्टेक सिस्टम लगा सकते हैं फार्मर फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुछ आपको डिटेल्स दिए हुए हैं और आपको बताना है किस किंगडम के बारे में बात हो रही है, तो दो स्टेट है X एंड Y वो हमेशा लड़ाई करते हैं और रायचूर डोप जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, और साथ में सी सपोर्ट ऑफ गोवा होनावर एक्सेट्रा ऑन द वेस्ट कोस्ट इन द 14th and 15th century, मतलब पहला तो रायचूर डोप के लिए लड़ाई, दूसरा ये 14th and 15th century में रहते हैं, और साथ में ये किंगडम Y जो है वो गुलबर्ग उसका कैपिटल है और किंगडम X जो है वो Y से पहले फॉर्म हुआ, तो इसका आंसर होगा आपका विजयनगर और बहामनी किंगडम, मतलब विजयनगर X है और बहामनी किंगडम Y है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल का उसका, तो इसमें देखिए 2 सही है 1 गलत है क्योंकि जो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन है इसका इक्विवेलेंस होगा 1 टन ना कि 1000 टन, ठीक है। और दूसरा सही है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है ये सोर्स ऑफ इनकम है UNFCCC के एडेप्टेशन फंड के लिए, ये सही है। ये क्वेश्चन नंबर 75 है आपको मैच करना है, मैच करके देखना है कि जो मैचिंग है वो सही है कि नहीं, तो देखिए 1 सही है कि टेक्निकल टेक्सटाइल है जो वो मेडिकल इम्प्लांट से रिलेटेड है, 2 भी सही है कि जियो टेक्सटाइल जो है वो रोड एंड रेलवे से रिलेट करता है, तीसरा भी सही है कि स्मार्ट टेक्सटाइल जो है वो UV प्रोटेक्शन क्लोदिंग, मतलब कि ऐसे टेक्सटाइल जो स्मार्ट हो जैसे कि UV प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 की टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में, तो दोनों सही है। क्या है ये? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो उसको बनाया गया था ताकि गवर्नमेंट प्रमोट कर सके टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस का एक्सपोर्ट। दूसरा भी सही है कि इसमें क्या होगा कि ये हेल्प करेगा इन शेयरिंग द एक्सपर्टाइज ऑफ द टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस, ठीक है, इसीलिए इसको बनाया गया टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है आपका फेसलेस अपील किस स्कीम जो है किससे रिलेट करता है, तो बेसिकली एरर्स रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस। फेसलेस अपील स्कीम मतलब कि मोस्टली देखा गया कि कई बार ऑफिसर्स जो है जो इनकम टैक्स पेयर को हरास करता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए फेसलेस अपील स्कीम लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि पीजन मूवमेंट के बारे में ब्रिटिश इंडिया के, तो उसका जो ईका मूवमेंट था उसके बारे में, तो देखिए 2 सही है बाकी मतलब कि 1, 2 जो है वो गलत है और 3 सही है, 1 और 3 गलत है और 2 सही है। 1 पहले देखते हैं सही क्या है, तो पहला जो सेकंड नंबर है वो सही है कि ये मोस्टली नॉन वायलेंट रहा है एंड तक। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। देखिए ये जो पीसेंट मूवमेंट है, ये जो एका मूवमेंट है, ये हुआ था आपका यूनाइटेड प्रोविंस में ना कि बंगाल में, इसलिए पहला गलत है। दूसरा भी गलत है क्योंकि ये लास्ट में जाके क्या हुआ था कि मदरी पारसी जो थे वो इन्वॉल्व हो गए और जो लीडरशिप था वो कांग्रेस से शिफ्ट होके मदरी पारसी के पास चली गई, और ये जो लोग थे ये लोग वायलेंस से एसोसिएटेड थे, मतलब जो नॉन वायलेंस था वो कांग्रेस का वो ख़त्म हो गया, तो इसलिए वायलेंस पार्ट रहा है इस मूवमेंट का, इसलिए 2 गलत है। 3 सही है कि जो मदरी पासी है वो एसोसिएटेड था इस मूवमेंट से, तो ये सही होगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग था, तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ने प्रपोज किया लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, मतलब जो एक ऐसी ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फ्लोट करेगा सोलर एनर्जी का। तो हमें बताना है सब कि क्या क्या एडवांटेज होगा। एक तो पहला एडवांटेज है कि एफिशिएंसी बढ़ेगा सोलर पैनल पे, ठीक है। दूसरा कि जो एल्गल ब्लूम देखा गया वाटर में उसमें कमी आएगी, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन है इसमें इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए दो गलत है और एक और तीन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं कि गंधारस के बारे में ये किससे एसोसिएट होता है कल्चरल हिस्ट्री में। ये चीफ डिसाइपल थे तीर्थंकारा, मतलब एक तीर्थंकारा के ये चीफ डिसाइपल थे गंधारास, जो कि जैनिज्म में देखा गया तीर्थंकारा का, तो उनसे एसोसिएटेड थे ये। अब क्वेश्चन नंबर 81 के तब देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात है। तो अमाउंट ऑफ CO2 जो डिजॉल्व हुआ है ओशन में वो बहुत ज़्यादा है, सेवरल टाइम्स मोर देन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर। ये बात सही है कि जितना CO2 ओशन में है उससे ज़्यादा एटमोसफेयर में है, ठीक है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। जो अभी का कंसंट्रेशन है एटमोसफेरिक CO2 का वो है 400 पार्ट्स पर मिलियन, ना कि PPB, मतलब पर बिलियन नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा पार्ट्स पर मिलियन। तो इसलिए सिर्फ दो सही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, तो तीनों सही है क्योंकि ये एक न्यू फिजिकल मेथड है जिसमें क्या होता है कि ब्रेन को रेस्पॉन्स के बेसिस पे इंटेरोगेशन होता है। दूसरा कि जो कंसेंट है ऑफ द एक्यूज्ड वो पहले ले लिया जाता है टेस्ट लेने से पहले। तीसरा कि जो एक्यूज्ड है उसको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता बेस्ड ऑन टेस्ट रिपोर्ट, मतलब कि आप ठीक है उसको एज अ मीन्स टू इंटेरोगेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके बेसिस पे आप कन्विक्शन नहीं दे सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो सिटीजनशिप पे है। तो देखिए का और बहुत सारे इशू के कारण सिटीजनशिप इशू हाईलाइट पे रहा, तो आपका ये क्वेश्चन आने का चांस है सिटीजनशिप रिलेटेड। तो पहला दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं पे मेंशन नहीं करता कि क्या ग्राउंड होगा एक्वायर या लॉस करने का। ये सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का जो कि ये मेंशन करता है। दूसरा है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है टू फ्रेम सिटीजनशिप रिलेटेड टू, मतलब जो भी आर्टिकल्स हैं सिटीजनशिप रिलेटेड ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 84 के देखते हैं ये क्या है। तो अपार्ट फ्रॉम वेल नोन रोल्स लाइक प्रिपेयरिंग, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेड लिस्ट जो बनाता है थ्रेटन स्पीसीज का IUCN का, मतलब कि देखिए IUCN बहुत सारे काम करता है जैसे रेड लिस्ट बनाना, थ्रेटन स्पीसीज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड काम करना, क्लाइमेट चेंज इकोसिस्टम कंजर्वेशन पे काम करना। तो इनके अलावा और कौन कौन से काम में IUCN एसोसिएटेड है, तो ये तीनों सही है क्योंकि ये ब्लू नेचुरल कैपिटल फिनांसिंग फैसिलिटी में भी अवेलेबल है ये काम कर रहा है, दूसरा प्रोटेक्टेड प्लैनेट में भी, और तीसरा पनोरमा जो कि एक सॉल्यूशन फॉर अ हेल्दी प्लैनेट, तीनों में एसोसिएटेड है IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कार्नेटिक म्यूज़िक है और जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसमें उसके डिफरेंस में, तो देखिए पहला गलत है क्योंकि जो घराना सिस्टम है ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक से एसोसिएट करता है ना कि कर्नाटिक म्यूज़िक। और दूसरा तीसरा सही है क्योंकि दे आर नो एक्सक्लूसिव इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म्स इन कर्नाटिक म्यूज़िक। और तीसरा भी सही है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक में कॉन्ट्रास्ट करके देखें तो कर्नाटिक म्यूज़िक जो है वो वॉइस पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड स्कीम के बारे में, तो देखते हैं क्या है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 इकोनॉमी या इकोनॉमिक से रिलेट करता है कि फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स जो है ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसका इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिर्फ जो रेसिडेंट्स है जो इंडियन रेसिडेंट्स है वो मेक कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट, और वो ट्रेड नहीं कर सकते उसे इन सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, तो ट्रेंड क्या है इन्फ्लेशन का। तो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट जो है वो डिराइव किया जाता है रिमूविंग शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन फ्रॉम बिजनेस साइकिल। बेसिकली आपको ट्रेंड इन्फ्लेशन का मतलब बताया है कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन निकालते हो और उसमें से शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन का जो
फ्लक्चुएशन होता है, मतलब जो ऊपर नीचे करता है, वेरी करता है, उसको हटा देते हो, उसको कहते हो आप ट्रेंड इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 88 जो है वो जो मॉर्फोलॉजी है, तो पेडिप्लेन्स के बारे में बात करता है। ये आपका एक तरह से स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म करते हैं डेजर्ट्स में, जबकि कोई व्हेन द हाई रिलीफ स्ट्रक्चर इन डेजर्ट्स, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाला स्ट्रक्चर इरोजन के कारण वो रिड्यूस हो गया हो, मतलब उनका जो उसका जो फीचर्स प्लेन की तरह हो गया हो, लो फीचरलेस प्लेन बाय द एक्टिविटीज ऑफ विंड, ये विंड के कारण होता है, उसे कहते हैं पेडिप्लेन। और ये सही है, पेनीप्लेन जो है वो उसे कहते हैं जब कोई अनडुलेटिंग फीचरलेस प्लेन बनता है विथ लो लाइंग रेसिडुअल हिल्स ऑफ रेजिस्टेंट रॉक एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम इरोजन। तो पेनीप्लेन बना आपका पानी के कारण, और पेडिप्लेन बना आपका विंड के कारण, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कि सॉवरेन एज इंस्ट्रूमेंट, सॉवरेन जो वर्ड है उसका मतलब बताना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करता है तो इंडिया इज़ ए सॉवरेन कंट्री, तो इसका मतलब ये होता है कि इंडिया जो है ना ही वो किसी बाहरी कंट्री पर डिपेंडेंट है, ना किसी बाहरी कंट्री का डोमिनियन है, और वो अपना जो अफेयर है इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर खुद अपनी मर्जी से कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 90 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो उसके रोल के बारे में कि क्या क्या वो कर सकता है। तो सारे चीज़ें कर सकता है, पहला कि वो डिटेक्ट कर सकता है ह्यूमन इमोशन, दूसरा कि वैक्सीन डेवलपमेंट में भी स्पीड अप करने में हेल्प कर सकता है, तीसरा वार्निंग दे सकता है कि अगर कोई व्हीकल कोलिजन हो रहा हो, चौथा कि रेट अ मूवीज कंटेंट इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स, मतलब जैसा मूवी स्क्रिप्ट है उसके बेसिस पे उसको रेटिंग कर सकते हैं। तो आपको पता है जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना जल्दी चेंज कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 बायो कैप्सूल के बारे में, तो आपको बताना है उसके बारे में। तो बेसिकली बायो कैप्सूल होता क्या है, तो ये एक बायो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी है जिससे कि एनश्योर होता है सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ बायोलॉजिकली कॉम्पिटेंट बेनिफिशियल माइक्रोब्स, मतलब कि ये ऐसी टेक्निक है जिसमें कि बायोलॉजिकल कॉम्पिटेंट बेनिफिशियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से डिलीवर किया जा सके सॉइल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 की कंसल्टेटिव कमिटी के बारे में, तो ये एक तरह का फोरम है जहाँ पे इनफॉर्मल डिस्कशन हो सकता है बिटवीन मेंबर्स एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम के बारे में। दूसरा भी सही है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर कंस्टिट्यूट किया जाता है। तीसरा भी सही है कि जो मिनिस्ट्री इन चार्ज है ऑफ द कंसर्न एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ दैट मिनिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स जो है वो कानवा किंगडम के कॉन्टेम्पररी थे, तो सातवाहना ही थे जो कानवा के समय रूल कर रहे थे, तो सातवाहना होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि यूनाइटेड नेशन डेकेड जो है ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन उसके बारे में, तो दोनों सही है। ये जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लीड किया जा रहा है, और इसमें क्या होगा कि रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी दोनों टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका 81 बॉन्ड्स के बारे में, कि 81 बॉन्ड्स जो है वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स है जिनका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता, ये सही है। दूसरा भी सही है कि ये जो बॉन्ड्स है ये यूज़ किया जाता है बैंक्स ताकि टायर वन कैपिटल जो है वो बूस्टअप कर सके। 96 का 2 सही है 1 गलत है। 1 इसलिए गलत है क्योंकि गोल्ड रिजर्व नहीं बल्कि फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स जो है वो है लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। 2 आपका सही है कि अ फॉल इन रिजर्व वीकेंस द रुपीज पोजिशन अगेंस्ट US डॉलर, मतलब जैसे जैसे रुपी मतलब रिजर्व कम होगा वैसे वैसे रुपी जो है महंगी होती जाएगी इन कंपेरिजन टू US डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। दूसरा गलत है क्योंकि ये IUCN का है, ठीक है, ना कि WWF का, IUCN का है, और इसमें प्रोमोट करेगा ट्रांसबाउंड्री एंड रीजनल कोऑपरेशन फॉर बेटर कंजर्वेशन आउटकम। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं आयरन ओर के बारे में, कि कौन सा बेस्ट क्वालिटी होता है आयरन का, तो उसमें होगा आपका आंसर हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी है आयरन ओर में, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है, और जो मेजर हेमेटाइट ओर जो है वो फाउंड पाया जाता है आपका धरवार और कडप्पा रॉक सिस्टम में पेनिनसुला इंडिया के।
99 आपके गिफिन गुड्स के बारे में है। तो गिफिन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका डिमांड इंक्रीज़ करता है, मतलब मोस्टली जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ करता है उन सामान का डिमांड घटता है, पर इसके साथ उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट है इनविट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें देखिए 1 और 3 सही है, 2 गलत है, क्योंकि ये जो रेगुलेशन किया जाता है सेबी के द्वारा ना कि आरबीआई के द्वारा। ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि इनेबल करती है इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मतलब कि वो कैसे हेल्प करती है, तो पैसा जमा करती है इंडिविजुअल इन्वेस्टर से और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यूज़ करती है। ये जो है हेल्प करती है इंटरनेशनल फिनांस को अट्रैक्ट करने में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो इस तरह से हमने 100 तक सॉल्व कर लिए टेस्ट 30, विजन टेस्ट 30 के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ अगर आप लाइक की आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं PDF जल्दी अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।